हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर तो आज हम एटीन जून का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे आपको न्यूज़पेपर के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो अभी फर्स्ट न्यूज मार्क्स ऑफ क्लासेस टेंथ एंड इलेवन काउंट एंड क्लास ट्वेल्थ रिजल्ट आउटपे जुलाई थर्टी Ending uncertainty over results of the class twelfth board examination hit by the COVID-19 pandemic, the CBSC informed the Supreme Court Thursday that marks for the theory component will be calculated according to a forties to thirties to thirty formula based on the students' performance in classes 12th, 11th, and 10th. अब जो क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम कैंसिल हुए थे तो मार्किंग कैसे होगी उसके लिए डिसीजन ले लिया गया है और सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को इनफॉर्म कर दिया है कि फोर्टीज टू थर्टीज टू थर्टी का रेशियो रहेगा जिसमें फोर्टी परसेंट क्लास ट्वेल्थ के प्री बोर्ड मार्क्स को वेटेज दी जाएगी थर्टी परसेंट क्लास एलेवेंथ को थर्टी परसेंट क्लास टेंथ को जो प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट कॉम्पोनेंट है वो इस बात पर डिसाइड होगा कि स्कूल ने आश्रोल कौन से मार्क्स सबमिट किए हैं सीबीएसई में रिजल्ट जुलाई इकतीस तक आ जाएगा और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं हो इस असेसमेंट प्रोसीजर से तो वो जब भी सिचुएशन कॉन्डिस हुआ वो एग्जाम दे सकते हैं नेक्स्ट news है सीरम कोड बिगिन कोवोवैक्स ट्रायल ऑन चिल्ड्रन इन इंडिया नेक्स्ट मंथ तो जो नोवा वैक्स वैक्सीन थी उसका इंडियन वर्जन का नाम है कोवोवैक्स उसके ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट जल्दी ही शुरू कर सकता है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बिगिन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ नोवा कोविड नाइन्टीन वैक्सीन कैंडिडेट ऑन चिल्ड्रन इन जुलाई तो द रिकी कॉम्बिनेंट एनो पार्टिकल प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है जो कि डेवलप की गई थी बद अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी और इसकी जो एफिकेसी रेट है वो भी नाइन्टी पॉइंट फोर परसेंट है जो कि बेसिकली ऑन पार है फाइजर और बायो एंटेक के वैक्सीन से मॉडर्न एम आर से और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड और एक्स्ट्रा जेनेकल तो उनके बराबरी इसकी भी एफेक्सी जो कि नाइनटी पॉइंट फोर परसेंट है इसका भी इंडिया में इंडिया में मैनुफैक्चरिंग होगी तो वैक्सीन शॉर्टेज है उससे डील किया जा सकता है हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं डोर स्टेप रोशन डज नॉट रिक्वायर योर नॉट सी एम टू तो एल तो बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट इसकी स्कीम लाना चाहती थी वो ये चाहती थी कि उस स्कीम के तहत जो राशन डिलीवरी हुई लोगों के घरों तक पहुँचाई जाए लेकिन सेंटर का ये कहना था कि आपको ये स्कीम लॉन्च करनी करो लेकिन आप खुद का ग्रेन खरीद के करो स्कीम लॉन्च जो एन के अंदर ग्रेन मिलता आप उसको यूज मत करो लेकिन फिर दिल्ली गवर्नमेंट का ये कहना है कि सेम चीज़ के लिए मतलब राशन देने के लिए दो दो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रहे तो ये तो कोई रैशनलिटी नहीं है कि एक ही चीज़ के लिए डबल डबल जगह एक्सपेंडिचर हो रहा है ठीक है तो हमें जो स्कीम्स होनी चाहिए वो रैशनैलिटी के साथ बनानी चाहिए ऐसा इनका कहना था तो हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं इन ए रिएड पुष्ट फॉर द रोल आउट ऑफ डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन स्कीम चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एल अनिल बैजल को असर्ट किया था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट डज नॉट रिक्वायर हिज अप्रूवल फॉर इट्स लॉन्च एंड दैट इट हैज़ ऑलरेडी अटेंड फाइनलिटी तो अब जो सीएम है डेली के उनका ये कहना है कि जो वहाँ के एल हैं उनके अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है इसको लॉन्च करने के लिए और स्कीम ने ऑलरेडी अटेन कर ली फाइनल्टी तो अब वो इस बात पर कैसे पहुंचे तो हम जानते हैं तो सी ने बेसिकली पॉइंट आउट किया है कि एल ने कोई भी अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं बोला कि उनको कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जब स्कीम नोटिफाई होगी उसके बाद भी तो सीएम पॉइंटेड आउट द एलजी डिड नॉट एक्सप्रेस एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द मैटर इवन आफ्टर द स्कीम वाज़ नोटिफाइड फिर सीएम ने कोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट का को ऑर्डर जो कि चार सात दो हजार अठारह का जिसमें उन्होंने बोला था ऑनरेबल एल जी हेट अनदर चांस टू एक्सप्रेस दिस डिफरेंस तो एल के पास एक और ऑप्शन होता है कि वो अपना डिफरेंस अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन उसके बाद भी ऑनरेबल एलजी ने कुछ भी ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं बताया इसलिए स्कीम ने अपनी फाइनलिटी अटेन कर ली ऐसा डेली के सीएम का मानना है तो द होल स्कीम इज नॉट अंडर कंसिडरेशन एट दिस स्टेज और जैसे कि जून में जो वहां के एल उन्होंने ये बोला था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये स्कीम री करने की जरूरत है क्योंकि इसमें जो मैंडेटरीली रिक्वायर है वो है अप्रूवल ऑफ द सेंटर क्योंकि एन के ग्रेन्स यूज किए जा रहे हैं

तो सेंटर इज ऑल्सो रेटेड टू डेली चीफ सेक्रेटरी डेही गवर्नमेंट इज फ्री टू प्रो करके अगर डेली गवर्नमेंट को लॉन्च करनी है ऐसी स्कीम तो अपना फूड ग्रेस प्रोकर करें जो भी मार्केट रेट्स हैं उसमें और फिर लॉन्च कर सकते हैं लेकिन वो एन एफ एस ए को डिस्टर्ब ना करें उनके राशन को यूज करके करने के लिए लेकिन फिर मैंने जो आपको बताया कि डेली गवर्नमेंट ने बोला ये कोई राशनैलिटी नहीं है कि एक ही स्कीम के लिए दो दो लोग पैसा खर्च करें तो एक्सेप्टिंग द तो एक सेंटर सजेशन वॉज नॉट प्रूडेंट एज इट वुड लीड टू डबल एक्सपेंडिचर फॉर मीटिंग द सेम गोल ऑफ डिलीवरिंग राशन तो यहाँ पर जो फेडरलिज्म की दिक्कत है इलेक्ट्रेड गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर पाती है जैसे अभी एन सी का बिल भी आया है तो, तो ये सारे प्रोविजन आपको पता होने चाहिए एन सी दिल्ली से क्या दिक्कत है एल को कैसे ज्यादा पावर दे दी गई है तो गवर्नमेंट ऑफ डेली का मतलब ही एल ही होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है स्टैलिन फ्लेक्स तमिलनाडु वैक्सीन सप्लाई अर्जस रिपील ऑफ सी ए लॉस तो हमें यहाँ से थोड़े साउथ के इश्यूज भी पता चलेंगे बेसिकली तमिलनाडु के इश्यूज पता चलेंगे कि तमिलनाडु में लोग क्या चाहते हैं वहाँ के सीएम क्या चाहते हैं तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन थर्सडे मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द डीएम के वन द असेंबली पोस्ट तो बेसिकली अभी इलेक्शन हुए थे जिसमें डीएम के जीत गई थी तो उन्होंने ट्वेंटी फाइव पॉइंट चार्टर दिया डिमांड्स का पहली उनकी प्ली है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इनेबल स्टेट्स टू एलोकेट रिजर्वेशन फॉर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एस टीज एंड एस टीज बेस्ड ऑन द स्टेट्स कॉम्पोजिशन तो पहली उनकी डिमांड ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए और स्टेट्स को इनेबल किया जाए कि वो एलोकेट कर सकें रिजर्वेशन अपने अकॉर्डिंग स्टेट के कम्पोजिशन के अकॉर्डिंग मतलब स्टेट में जिसकी जितने प्रोपोर्शन है जिसका जितना रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकें इसके अलावा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि जो भी अपने इनकम या सीलिंग लिमिट डिसाइड कर रखी है बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको हटा दीजिए और स्टेट कॉम्पोजिशन अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें डिसाइड करेगा उन्होंने ने नेक्स्ट बात बोली ड्रॉप वॉट हॉल्ड टू एक्सटेंड द नीट स्टाइल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो नीट स्टाइल एंट्रेंस एग्जामिनेशन उनको एक्सटेंड कर दिया जाए और दूसरे कोर्सेज के लिए साथ ही उन्होंने बोला कि जो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं उसे रिवोक कर दिया जाए क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज का इशू आ रहा है कि जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मला उसमें कौन सी लैंग्वेज कहीं ऐसा तो नहीं कि सदन स्टेट्स पे हिंदी थोप दी जाएगी तो ये सारे इश्यूज हैं इसके अलावा रिपील द ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 साथ ही में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बोला कि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को रिपील कर दीजिए और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रोवर्शियलियलियलियलियल फॉम्लाजों उनको भी रिपील कर दीजिए इसके अलावा उन्होंने मोदी को बोला कि जो कोविड नाइन्टीन वैक्सीन है उसके एडिकुएट अलॉटमेंट होना चाहिए लाइफ सेविंग ड्रग्स सबको मिलनी चाहिए रिजर्वेशन ओबीसी का ऑल इंडिया कोटा में दे देना चाहिए मेडिकल कॉलेजे अटेंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स साथ में जो मूल्यपरियार डैम है उसके रिस्टोरेशन की बात की कावेरी वाटर को रिलीज करने की बात की सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिट्रीवल ऑफ कांचे तीवू आइलैंड फ्रॉम श्रीलंका तो कांचे तीवू आइलैंड के बारे में कभी आई लोकेशन तो आपको पता होनी चाहिए एंड रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स ऑफ तमिलनाडुस फिशरमैन इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो सेंटर का शेयर है, तो है तो शेयर करें जीएसटी ड्यूज भी स्टेट्स को दें यहाँ पे बेसिकली आपको पता होगा ममता बनर्जी जो थी वो नंदीग्राम की सीट से हार गई थी वहां पे शुभेंदु अधिकारी जीते थे तो अभी उन्होंने प्ली की है कोर्ट में तो एक ये मैटर है यहाँ पर इंडिया डिमांड्स रिव्यू ऑफ पाक लिंक्ड टू जादव राइट टू अपील तो बेसिकली आपको पता होगा कुलभूषण जादव जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान ने उन्हें डिटेन कर रखा है अब पाकिस्तान ने कभी उनको काउंसलर एक्सेस भी नहीं दी थी तो इंडिया ये मैटर लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह ऑर्डर दिया था कि पाकिस्तान की रिस्पांसिबिलिटी बनती है अंडर द वियना कन्वेंशन की वो काउंसलर एक्सेस दें तो इंडियन थर्सडे पाकिस्तान टू टेक अप्रोप्रेट स्टेप्स टू एड्रेस दमिंग एंड अ बिल इंट्रोड्यूस इन दंट्रीज नेशनल असेंबली तो अब नेशनल असेंबली में पाकिस्तान ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया कि कैसे काउंसिल एक्स दी जाएगी इन सबके लिए कि वो राइट राइट टू अपील होनी चाहिए जादव के पास तो अब इसमें उन्होंने कुछ शॉर्टकमिंग्स है उनके बिल में जैसे उन्होंने अपने बिल में ये बोल रखा है कि जो म्यूनिस्पल कोर्ट होगा वो डिसाइड करेगी कि कोई भी प्रोजेडाइज है या नहीं है कि काउंसिल में कोई प्रोजेडाइज तो नहीं है तो हमारे यहाँ के जो सेक्रेटरी उनका ये कहना है म्यूनिसिपल कोर्ट कांट बी द आर्बिटर ऑफ वेदर द स्टेट हैज फुलफिल्ड है इंटरनेशनल लॉ कि म्यूनिसिपल कोर्ट इतनी बड़ी चीज नहीं कि वो आर्बिट्रेशन में डिसाइड करेगी कि अपील जो है वो सही से हुई है प्रोजेडाइज तो नहीं है वो म्यूनसिपल कोर्ट का, का काम नहीं है ठीक है तो ये वाला एक इशू है तो बस आपको पता नहीं कुलभूषण यादव वियाना और काउंसलर एक्सेस ये सारी चीजें अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बंगाल डबल्स फार्मर सपोर्ट इनकम तो बंगाल में स्कीम चलती है जैसे ही प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि सेंटर में चलते हैं तो वैसे ही बंगाल बंगाल में भी चलती है जिसका नाम है कृषक बंधु स्कीम जो कि फार्मर्स को असिस्टेंस देगी दस हजार रुपये हर साल तो फार्म लेबरर्स एंड शेयर क्रॉपर्स हु हुन एटलीस्ट वन कत्था तो ये मेजरमेंट होता है लैंड का कत्था ऑफ लैंड विल नाउ गेट रुपीज़ फोर थाउजेंड आई ईयर इंस्टेड ऑफ टू थाउजेंड तो पहले जिनके पास एक कथा लैंड होता था उनको दो हजार रुपये मिलते थे लेकिन अब चार हजार रुपये दिए जाएंगे इसके अलावा जो ममता बैनर्जी वहाँ की चीफ मिनिस्टर उन्होंने बोला सी हैज डिसाइडेड टू डबल द सपोर्ट इनकम फॉर द फार्मर्स लेबर्स एंड शेयर क्रॉपर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि वो शेयर क्रॉपर्स और लेबर्स को इंक्लूड नहीं करती है लेकिन जो वेस्ट बंगाल की स्कीम है वो इनको भी इंक्लूड करती है तो एडिशनली दो सेविंग लेस देन वन एकर ऑफ कल्टिवेबल लैंड उनको लगभग चार हजार रुपये मिलेंगे हर साल ऑन अ प्रो रेडेड बेसिस फार्मर्स विल नाउ रिसीव इंक्रीज फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम रुपीज फाइव थाउजेंड रुपीज टेन थाउजेंड तो ये सारी चीज़ें हैं तो कृषक बंधु स्कीम ऐसे कालिया स्कीम है ये सब आपको पता होना चाहिए अब हम आगे चलते हैं यहां पर है इंडिया हिट्स आउटलेट यू एन एक्सपर्ट रिमार्क ऑन जेल ऑफ एक्टिविस्ट तो बेसिकली आपको मैंने बताया था स्टूडेंट एक्टिविस्ट जिनको डेली हाईकोर्ट ने बेल दे दी थी कि उन्हें लगा कि यू पर गलत लगाया गया है और प्राइम ऑफ एसी में ऐसा कुछ अपीयर नहीं होता तो उन्हें बेल दे दी गई थी तो इंडिया ऑन थर्सडे उसके लिए फिर दिल्ली पुलिस ने अपील की थी स्पेशल लीवी पिटीशन में अंडर सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया ऑन थर्सडे रिएक्टेड शार्पली टू अ यूएन स्पेशल रेपोर्टर एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द ऑफ स्टूडेंट एक्टिविस्ट नरवाल जो भी इनका नाम है तो क्या हुआ था जो यूएन का स्पेशल रिपोर्टर या एक्सपोर्ट है उनका यह कहना था कि इनकार्सरेशन ठीक नहीं है और ये सारी बातें स्पेशल रिपोर्टर ऑन द सिचुएशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स डिफेंडस उन्होंने ऐसा ट्वीट किया था कि आई एम हेरिंग डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स तब्ल्यू एच आर डीज़ नताशा नरवाल एंड देवांगना कलिता इनको अभी रिलीज नहीं किया गया है और डेली पुलिस ने चैलेंज कर दिया हाँ है डेही हाईकोर्ट का ऑर्डर यह सारी चीजें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फिर इसको रिप्लाई किया था ये कहकर रिप्लाई किया था कि आई अंडरस्टैंड दिस दिस रिफर्स टू एन ऑनगोइंग जुडिशियल प्रोसेस एंड वी वुड एक्सपेक्ट यू एन स्पेशल रिपोर्ट टू रिस्पेक्ट एंड हैव अ मोर इन्फॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर लीगल प्रोसीडिंग्स तो ये सारी चीज़ें यहां पर तो गवर्नमेंट गुण। गुण ने अमेंड कर दिया केबल टीवी नेटवर्क रूल्स तो पेविंग द वे फॉर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सिस्टम फॉर रीड्रेसिंग रिवेंस वाइल प्लेसिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑन द ब्रॉडकास्टर्स एंड द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे अमेंडेड द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स टू गिव लीगल रिकोगनीशन टू सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज फॉर टेलीविजन तो अब लीगल रिकॉगनीशन दे दी जाएगी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज को तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लीगल रिकोग्नीशन देनी है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज को अब इन बॉडीज को रजिस्टर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के अंडर तो आई एंड बी मिनिस्ट्री ने बोला है कि अमेंडमेंट एक स्टैटूटरी मैकेकैनिजम होगा ताकि सिटीजनस की जो भी कंप्लेंट है वो फटाफट सुलझाई जा सकें तो स्टैटुटरी मैकेजम फॉर रिड्रेसल ऑफ रिवेंसिस कंप्लेंट्स ऑफ सिटीजन्स रिलेटिंग टू कंटेंट ब्रॉडकास्ट बे टेलीविजन चैनल्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क नाइनटीन नाइनटी फाइव तो बेसिकली इस बार ओ टी के लिए भी रूल्स आ गए कि ओ टी टी को रेगुलेट किया जाएगा तो वैसे ही अब इनके लिए भी रूल्स आ गए हैं कि इनको भी अब गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा अब नेक्स्ट पेज पर पे चलता है यहाँ पर आर्टिकल है बाइडेन एंड पुतिन तो मैंने आपको बताया था रशिया और यूएसए की मीटिंग हुई थी तो रशिया और यूएसए के बीच में इश्यूज क्या क्या हैं तो पहले हम जो वो जानते हैं तो पहले अभी इन दोनों ने डिसाइड किया है यूएसए और रशिया ने कि वो अपने एम्बेसडर्स वापस से एक दूसरे के कंट्री में भेजेंगे तो एक ये प्रोडक्टिव डायलॉग हम देख सकते हैं लगभग इनके बीच में चार घंटे बात हुई थी जिसमें से डिसाइड किया गया है बाइडन एंड पुतिन डिजर्व डिजर्व सम क्रेडिट फॉर ट्राइंग टू डिटॉक्स द रिलेशनशिप तो अभी हम देख रहे हैं कि यूएस और रशिया के जो रिलेशन है वो ऑल टाइम लो है उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि हाँ कुछ पॉजिटिविटी देख रही है कि रिलेशन जो डायलॉग है वो प्रोडक्टिव डायलॉग हो सकता है द डेमेइजेशन ऑफ पुतिन इन द यू एसड एक्वर्ड अनप्रेसिडेंटेड प्रोपोशन अमिड चार्ज ऑफ रशियन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो यूएस को लगता है कि जो रशिया है वो पोलिटिकल इंटरफेरेंस उसकी यूएस के इलेक्शंस में दूसरा एलिगेशन ऑफ मॉस्को सपोर्ट जो रशिया है वो बहुत ज्यादा साइबर अटैक्स कराता है अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहाँ उनके ऑयल पाइपलाइंस पर भी इन रशिया टू एंटी अमेरिकनिज्म हैड बिकम ए स्टेपल डाइट ठीक है रशिया में भी एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा हैं इफ क्रूड पुतन बैशिंग सो एविडेंट इन द यूएस मीडिया कवरेज ऑफ द जेनेवा समिट तो फिर अब आपको कुछ इशूज पता चलेगा साइबर अटैक का इशू है ठीक है फिर रशिया जो यूक्रेन में अपने ट्रूप्स लगा रखे वो वाला इशू है तो रशिया की तरफ से भी कुछ इश्यूज़ हैं और कुछ यूएसए की तरफ से भी इश्यूज़ हैं साइबर अटैक्स के इशू है कि यूएसए को लगता है कि रशिया साइबर अटैक्स रहा था पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता था तो तो वो पुतिन एंड रशिया रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन क्रिटिकल एंड प्रोवाइड द बेसिस फॉर अ प्रोडक्टिव एंगेजमेंट तो हम देख रहे हैं बाइडन वो कोशिश कर रहे हैं कि जो रशिया रिलेशनशिप है वो अच्छे से स्टेबलाइज हो सके ताकि और जो एग्रेसिव मेंबर्स है उनके साथ डील किया जा सके फॉर एग्जांपल चाइना ठीक है तो फॉर बाइडेन स्टेबलाइजिंग द रशियन रिलेशनशिप मेक्स इट ईजियर टू डील विद अ वैरायटी ऑफ अदर चैलेंजेस स्पेशली चाइना जो कि बहुत ज्यादा अमेरिका का माइंड स्पेस लेकर बैठा हुआ तो देर इज इन फ्रम नेगोशिएट एग्रीमेंट्स टू तो रिड्यूस द वॉर और न्यू आर्म्स रेस ठीक है रशिया ने डिनाई किया है अमेरिका के कोई भी चार्जेस जो अमेरिका बोल रहा है कि सबर अटैक्स कर रहा था तो रशिया बोल रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है बाकी पुतिन इज ओपन टू डायलॉग दैट कूड लेट टू नेगोशिएशन ऑफ न्यू साइबर तो न्यू साइबर साइबरॉम्स आ सकते हैं इंडिया के लिए सारी चीजें इस, इसलिए अच्छी हैं क्योंकि इंडिया क्रॉस रोड्स पर होता इंडिया को समझ नहीं आता है कि वो यूएसए की तरफ जाए या रशिया की तरफ जाए तो हमारे लिए बहुत टाइट रोप जैसी चीज हो जाती है तो अगर रशिया और यूएस के रिलेशन अच्छे होंगे तो हमारे लिए बैलेंस बनाना बहुत आसान होगा नेक्स्ट आर्टिकल है यू पे तो so, जो मैंने बताया था आपको तीन स्टूडेंट एक्टिविस्ट पे यूए पी लगाया गया लेकिन उसके बाद भी डेली कोर्ट ने बेल दे दी गई तो ऑथर का ये कहना है जो यूए है उसके अंदर टेररिज्म की डेफिनेशन ही बहुत ज्यादा वेग है तो फर्स्ट इज द ऑर्डर्स नोट द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इन सेक्शन फिफ्टीन ऑफ द यू इज पी वेग एंड हैज बीन यूज एज अ लाइसेंस टू क्लासीफाई ऑल काइंड ऑफ इन्फ्रैक्शन एज टेररिस्ट और ऑथर का ये कहना है कि किसी भी तरीके के इन्फ्रैक्शन से टेररिस्ट बोल दिया जाता है तो so, दिस ऑर्डर विल पुट मोर स्पॉटलाइट कि कब इंडिविजुअल्स को स्टार्ट कर सकते हैं अंडर यूए पी ए अब ऑथर ने बोला है जो यूएपीए वो तब भी यूज कर लिया जाता है जब बेसिकली लॉ और ऑर्डर प्रॉब्लम होती है तो इट ऑल्सो इन स्टेट उसको इक्वेट नहीं किया जा सकता है कि टेररिस्ट प्रॉब्लम है तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली अगर सिंपल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी यूएपीए लगा दिया जाता है ऑथर का कहना बिल्कुल गलत है तो बाई मेकिंग क्लियर डिस्टिंक्शन दट द फॉर्म इज द स्टेट सब्जेक्ट एंड द लेटर अ यूनियन सब्जेक्ट तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो तो ते स्टेट गवर्नमेंट डील करती है जो टेररिस्ट की सिचुएशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है ना तो द ऑर्डर पोटेंशियल ऑल्सोज इम्प्लीकेशन फॉर द फेडरलिज्म तो अगर यूएपीए लगा दिया जाएगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी हाँ तो यहां तो फेडरलिज्म कभी ढांचे को दिक्कत है यहाँ तो सेकेंड इट लेस डाउन एट लीस्ट द जनरल स्टैंडर्ड फॉर वैन अ केस माइट बी मेड फॉर बींग चार्ज द अन्एपीए तो अब इस हाईकोर्ट के ऑर्डर से ये भी क्लियर हो रहा है थोड़ा जनरल स्टैंडर्ड आ रहा है कि किस केस को चार्ज कर सकते हैं अंडर यूएपीए तो इन पर्टिकुलर दिस द द मेड अगेंस्ट मस्ट बैक्ड अप फैक्ट्स तो ऐसे आपने दिसर इन्सिगेशन कोई भी ऑर्डर लगा दी टेररिज्म का एक्ट था यह था लेकिन आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए प्रूफ करने के लिए ये टेररिज्म था तो दिस टेरिज्म काउंटर टू द ट्रेंड रिसाइम्स समटाइम्स चार्जशीट रिलाइज मच स्पेकुलेशन तीसरा यह है कि ऑर्डर ओपन अप द इम्पोर्टेंट इश्यू ऑफ बेल द यूएपीए में ब्रॉडली ये माना जाता था कि बेल तो होती ही नहीं है मतलब इनोसेंट आपको माना ही नहीं जाता आप हो तो आपको पहले गिल्टी माना जाएगा तो इट प्रोहिबिट्स ग्रांटिंग बेल इफ देर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द प्रोसिक्यूशन केस माइट बी प्राइम ऑफिस तो यहाँ पर जो डेली हाईकोर्ट ने ये बोला था कि अगर ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो आपको विटनेस भाग जाएगा या फिर वो टेम्परिंग कर सकता है एविडेंस के साथ तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ये सब कर सकता है तो उसे बेल दी जा सकती है जो कि मैंने आपको परसों पढ़ा है अभी तक द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट ऑफन द प्रोसिक्यूशन वर्जन वॉज एक्सेप्टेड विदाउट सीरियस क्रॉस एग्जामिनेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना कैच ट्वेंटी टू सिचुएशन हो पाया कैच ट्वेंटी टू मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन होती बाई इफेक्टिवली प्रोहिबिटिंग कोर्ट्स फ्रॉम एंगेजिंग इन अ अबस्टैशियल एग्जामिनेशन ऑफ द मेरिट्स ऑफ अ केस ड्यूरिंग द बेल हेरिंग्स तो, तो बेल हेरिंग्स में वो भी सब्सटैशियल एग्जामिनेशन कर सकें कि करनी है कि नहीं करनी अब क्वेश्चन ये कि अगर हायर कोर्ट हेयर अ बेल हेयरिंग हाउ कैन इट्स ऑर्डर बी क्राफ्ट इन अ वे दैट डज नॉट प्रीजज द आउटकम ऑफ अ ए ट्रायल ठीक है इससे हमारी लिबर्टीज पे बहुत हमारे लिए अच्छा होगा लिबर्टीज़ के लिए बहुत अच्छा एफर्ट है तो हमारी लिबर्टीज़ प्रिवेंट होंगी जो कि ब्लैक होल ऑफ स्टेट पावर की वजह से यूएपी खा जा रहा था हमारी लिबर्टीज़ तो यूए पी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लॉ है और ये मानता है कि प्रिजमशन ऑफ इनोसेंस को खत्म कर देता है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये मानता है कि इंसान तब तक इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता लेकिन यूएपी के अकॉर्डिंग आप पहले दिन से गिल्टी मान लिया जाता है आपको इनोसेंट माना ही नहीं जाता आपको प्रिज्यूम किया जाता है कि आप गिल्टी हो तो द तो सुप्रीम कोर्ट इज बिकमिंग वॉवली ऑन अ फंडामेंटल राइट तो ऑथर ने यही सब बोला है बट इट इज प्री मेचोर टू तो बॉप्टोमिस्टिक लेकिन अभी से हम सिर्फ एक जजमेंट से ऑप्टिमिस्टिक हो जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ टाइम में ऐसे भी जजमेंट्स दिए हैं जिसमें सिविल लिबर्टीज को बहुत बुरी तरह क्रैश किया गया क्रश किया गया ऐसा ऑथर का कहना है तो ऑर्डर इज एन इंडेक्टमेंट अब जैसे इट इज ऑलमोस्ट एज द अथॉरिटीज डिसाइडेड टू इनेक्ट पैराडिवर्जन ऑफ द इम्प्यूनिटी द ऑर्डर इज एन इंडिक्टमेंट ऑफ द डेली पुलिस एंड इट्स मास्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर तो ऑथर ने बोला कि डेली पुलिस का ही सब कुछ करा धराया था, था, था उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनके मास्टर थे अब ऑथर ने बोला कि दिस बेल ऑर्डर ने ब्लैक बॉक्स ऑफ यू पी जूरिस प्रोडेंट्स को खोल दिया है लेकिन हम इसे अभी रीजन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग लेकिन अगर हम ये माने कि जो रिसेंट ब्लैक मार्क्स लगाए गए हैं जुडिशियरी के अगेंस्ट वो सिर्फ एक बेल देने से सही हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है तो ये ऑथर का कहना है हम नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं तो ये आर्टिकल ये है कि हरियाणा में बहुत सारी झुग्गी को डिमोलिश किया जा रहा है और उनको कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया जा रहा है ना उन्हें रिहेबिलटेट किया जा रहा है तो ऑथर को इस बात से बहुत दिक्कत है द डिसीजन ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट टू ब्रेक टेन थाउजेंड जुग्गी विदाउट रिहेबिलिटेशन बहुत ही इनॉर्मस क्रुअलिटी है और एक इंसान ने इसमें सुसाइड भी कर लिया क्योंकि उसे लगा कि उसका घर डिमोलिश हो जाएगा तो स्टेट ऑफ हरियाणा ने बोला कि वो डिमोलिश करेंगे क्योंकि वो हाउसेस फॉरेस्ट एरिया में है तो इस ऑथर ने बोला अगर ये सोल रीजन है तो उस फॉरेस्ट एरिया में और भी सारी चीजें जैसे कि ताज विवानता होटल सरोवर पॉटिको होटल आप ये सब डिमोलिश नहीं कर रहा तो ऑथर ने बोला राइट टू रिहैबिलिटेशन जो डेस्टिट्यूट का है और जो कि डेलर्स हुए करेंटली इन ऑक्यूपेशन पब्लिक इज़ वेल सेटल्ड वो वहाँ पे अच्छे से सेटल हो चुके हैं इसके लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट ने सुदामा सिंह केस में भी बोला था कि डिनाइल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द रिहेबिलिटेशन वॉयलेट करता है आपका आर्टिकल ट्वेंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दी सर्कमस्टांस रिमूवल ऑफ अर झुग्गीज विदाउट इंश्योरिंग द रीलोकेशन अगर हम उनको नहीं रिलोकेट करेंगे तो इसका मतलब है उनका आर्टिकल ट्वेंटी वन को वायोलेट कर रहे हैं जो कि बेसिकली एक फंडामेंटल राइट right है इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कमेटी फॉर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट उसके भी हमने कन्वेंशन को साइन कर रखा है जो कि कन्वेंशन बोलता है राइट टू हाउसिंग शुड भी एन्श्योर टू ऑल पर्सनस इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम तो ऑथर ने बोला हमने इसे भी साइन कर रखा तो हमें आर्टिकल ट्वेंटी वन को इसके साथ इंक्लूड करके देखना चाहिए साथ में अजय माखन के केस में एक झुग्गी थी जो कि रेलवे ट्रैक्स के, के आसपास बनी हुई थी लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था कि आप इनको तोड़ रहे वो ठीक है लेकिन पहले इसका झुग्गी ड्वेलर्स का बी डन प्राय टू दर रिमूवल तो पहले इनका कर रिहेबिलिटेशन करने की जरूरत तो है उसके बाद ही आप इनका कर रिमूवल करो साथ ही ऑथर ने यहाँ पे डेली की बात की कि डेली ने अपने जो इनके सलम एरिया तो उसको कैसे इन सिटू डेवलप किया तो ये बहुत अच्छी डेली की तारीफ की है द तो इंडियन स्टेट विद द मोस्ट प्रोग्रेसिव हाउसिंग पॉलिसी फॉर द पुअर इज डेली इन टू टू थाउजेंड टेन इट इनेक्टेड द डेरी अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड एक्ट प्रोवाइडिंग फॉर अ सर्वे रिमूवल एंड रीसेटलमेंट प्लान और जुगीज़ को वहीं पर इन सीटू अपग्रेड कर दिया गया और ने भी बोला तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चलती घर देने के लिए वो एक्चुअली काम कर नहीं रही है तो इन द मीन टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यूज विद इट्स डबल फेस्ड अप्रोच इन एक्टिंग स्कीम्स दैट आर नेवर इंप्लीमेंटेड जैसे इंदिरा आवास योजना नेशनल श्रम डेवलपमेंट प्रोग्राम जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना तो ये सब है तो ऐसा कहना होता के अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी तक घर नहीं मिल पाया है इफ द हरियाणा गवर्नमेंट अगर ऐसा ही करती रही है उसने सोचा कि हम इनको इवेक्ट कर देंगे इनको बिना रिहेबिलिटेड किए तो ये बहुत ही बड़ा ब्लॉट होगा ह्यूमन राइट्स पे और जो हमारे आर्टिकल ट्वेंटी वन है उस पर यहाँ पे है एस्ट्रोनॉट अब आपको पता होगा चाइना के स्पेस स्टेशन बना रहा है ठीक है उस स्पेस स्टेशन का नाम है तिहाने या तो हेवेनली मॉड्यूल अब वहाँ पर चाइना भेज रहा है जिसका नाम है शहनजाऊ ट्फ या फिर डिवाइन वेसल तो इसमें तीन लोग जाएंगे तो थ्री चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स ऑन थर्सडे डे फ्लू टू तो एंड अनफिनिश स्पेस स्टेशन इन चाइनाज फर्स्ट फ्लू मिशन जिसमें तीन लोग जा रहे हैं इसका नाम है शेंजो या फिर डिवाइन वेसल तो शेंजो ट्वेल्फ या फिर डिवाइन वेसल आप ये नाम याद रखिएगा चाइना की स्पेस स्टेशन है जो कि चाइना दो हज़ार बाईस तक बना लेगा तो ये अभी तो एक ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसे कि यूएस एस करता है ठीक है अब चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है तो शु एनजो ट्वेल्व इज द थर्ड ऑफ एलेवन मिशन जो कि ये सेंड किए जाएंगे उसमें से तीसरा है और स्पेस स्टेशन का नाम तिहाने है तो आई एस एस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो पहले 2015 में रिटायर होने वाला था ठीक है शेड्यूल टू बी रिटायर्ड लेकिन उसकी लाइफ टाइम सब्सिक्वेंटली एक्सटेंड कर दी गई 2020 तक फिर 2024 तक तो टेंशन जो यूएस और रशिया में है उसकी वजह से जो आई एस एस है उसको ज्यादा रोल नहीं रहेगा अब चाइना अपना स्टेशन बना लेगा तो एक सिर्फ वही एक एक्टिव स्पेस स्टेशन रह जाएगा तो आपको यहाँ पर शु याद रखना ट्वेल्थ ट्वेल्व डिवाइन वेसल यहाँ पर है यूएस सेट तो टू स्पेंड 3.2 बिलियन डॉलर टू तो डेवलप एंटीवायरल पिल्स तो अब यूएस ने बोला वो एंटीवायरल पिल्स बनाएगा कोविड 19 को ट्रीट करने के लिए लेकिन वैक्सीन को वो अभी भी, भी बहुत बड़ा आर मानेगा तो द यूनाइटेड नेशंस इज रिवोटिंग 3.2 बिलियन डॉलर सिर्फ कोविड नाइन्टीन के लिए ही नहीं बाकी जो और वायरस हैं उनके लिए भी जैसे कि कुछ वायरस का यहाँ पर नाम भी दिया गया है इबोला डेंगू वेस्टनाइल मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्योंकि इनके अंदर भी है ऐसी पावर कि ये भी एक पैंडेमिक का रूप ले सकते हैं उससे पहले ही हमें तैयार रहना आगे वाले कोई भी पैंडेमिक से क्योंकि हम बार बार इतना सारा टाइम वेस्ट करना नहीं झेल सकते हैं इतनी इकोनॉमी को नुकसान होना ये सब नहीं झेला जा सकता बार बार क्योरवैक एक वैक्सीन थी लेकिन उसने एफिकेसी उसकी बहुत कम है फोर्टी सेवन परसेंट एफिकेसी है तो शायद उसका मास प्रोडक्शन ना हो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे रोल ऑफ एनिमल सीरम इन मेकिंग ऑफ वैक्सीन तो अभी एक सोशल मीडिया पे खबर चल गई थी कि जो कोवैक्सिन है उसके अंदर काफ का सीरम है तो द गवर्नमेंट ऑन इश्यू क्लैरिफिकेशन स्टेटिंग दैट कोवैक्सीन जो कि है कोविड नाइन्टीन वैक्सीन जो कि हैदराबाद है बेस्ड भारत बायोटेक ने बनाई है उसमें कोई भी सीरम नहीं है न्यूबॉर्न काफ का ऐसा गवर्नमेंट ने वो बताया इशू किया क्लैरिफिकेशन ठीक है क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ये डिस्कशन हो रहे थे कि काफ सीरम कोवैक्सीन में तो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने रीट्रेट किया है जो काफ सीरम है या और भी दूसरे एनिमल्स का सीरम होता है उसे यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स ये इसलिए क्योंकि जो डिजीज़ कॉजिंग वायरस होता है जो वायरस होता है वो इसी की वजह से ही बनता है तो दीज आर नीडेड टू तो ग्रो द डिजीज कॉजिंग वायरस ठीक है लेकिन इस ये वैक्सीन का इनग्रेडियंट नहीं होता इसको यूज़ करके वायरस बनाया जाता है तो हाउ वायरस आर कल्चर तो वैक्सीन लाइक द वन मेड बाय द भारत बायोटेक वो डिजीज कॉजिंग वायरस को यूज करते हैं ताकि इम्यून रिस्पॉन्स कर सके वायरस को मार दिया जाता है वायरस को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है लेकिन जब वो इंजेक्शन लगाया जाता है इंसान में जब इंसान को वैक्सीनेशन दी जाती है तब भी उस वायरस के अंदर तो इतनी ताकत होती है कि वो आपको इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करवा सके तो टू बी यूज इ वैक्सीन द वायरस नीड्स टू तो बी ग्रोन या फे कल्चर तो ग्रोन और कल्चर करने के लिए उसके लिए कुछ कंडीशन तो चाहिए ना तो जो सोल्यूशन होते हैं इनका सीरम होता है काफ वगैरह का उसमें न्यूट्रेंट्स होते हैं जो कि ग्रोथ मीडियम की तरह काम करते हैं फॉर द वायरस ठीक है इसमें न्यूट्रेंट्स में कुछ स्पेसिफिक शुगर और स्ट्रॉ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत स्वीटेबल एनिमल्स में ही मिलते हैं जैसे कि हॉर्सेस का हो शीप तो वायरस को उस न्यूट्रंट सोल्यूशन में रखा जाता है ताकि वो वहाँ पर ग्रो होता है फिर उसको वैक्सीन में यूज किया जाता है वायरस को इनएक्टिवेट करके तो आफ्टर दैट इट गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन तो दे इज नो ट्रेस ऑफ द ग्रोथ मीडियम अब काफ सीरम को ही यूज क्यों किया गया है, तो जो एफ डी ए है यूनाइटेड स्टेट्स का उसका ये कहना है कि काउ कॉम्पोनेंट्स इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि काउज लार्ज एनिमल्स होते हैं और रिच होते हैं यूजफुल केमिकल एन्जाइम्स के लिए तो इसमें न्यूट्रेटिव सल्यूशन ज्यादा होता है जिसके कारण जो डिजीज कॉजिंग वायरस हो उसे कल्चर किया जा सकता है तो काउ मिल्क सोर्स होता है अमीनो एसिड्स का शुगर सच सचेस गैलेक्टोज तो काउ टेलो डेरेवेट यूज इन वैक्सीन मैनुफेक्चर इंक्लूड ग्लिसरॉल जेलेटिन भी होता है सम इमीनो एसिड्स कम फ्राम काउबोन्स तो काउ काउस्कैल्टन मसल इज यूज्ड टू प्रिपेयर ब्रॉथ इन सर्टिन तो जो काव है उसमें सीरम ज्यादा होता है क्योंकि काउ इज अ बिग एनिमल तो एनिमल सीरम इन वैक्सीन तो इससे पहले भी बहुत सारी वैक्सीन है जिसमें एनिमल का सीरम यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकली एनिमल सीरम हैज बीन यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन इन अदर वेज एज वेल द यूज ऑफ हॉर्स सीरम एज एन एंटीबॉडी सप्लीमेंट इन डिपथेरिया जैसे हॉर्स सीरम यूज किया जाता है डिपथेरिया के लिए ये सौ पिछले सौ सालों से यूज किया जा रहा है तो हॉर्स यूज टू भी इंजेक्टेड अब हॉर्स को इंजेक्ट किया जाता है एक स्मॉल डोज ऑफ बैक्टीरिया से ठीक है जो कि डिप्थेरिया कॉज करता है फिर उसके बाद क्या करता है हॉर्स एंटीबॉडीज बना लेता है फिर हॉर्स का ब्लड निकाल लिया जाता है उससे फिर एंटी एक्सट्रैक्ट की जाती है तो ऐसे तो ये ऐसी बात नहीं कि पहली बार ऐसे यूज है। पे चलते हैं इसमें इस बस मुझे आपको हेयर कट है कि हेयर कट क्या होता है तो हेयर कट बैंक का सेटलमेंट होता है जो कि वन टाइम सेटलमेंट होता है बेसिकली मतलब बैंक कर देती कि इतना हमें नुकसान हुआ उसके बाद हम इतना शायद उसमें नोट नहीं आए तो आपको हेयर कट पता होना चाहिए हेयर कट क्या होता है तो हेयर कट ये होता है कि बैंक वन टाइम सेटलमेंट कर लेती है थोड़ा नुकसान सह के कि, कि हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल विजय मालय है विजय मालय लोन नहीं चुका रहा है बैंक्स का तो बैंक बोलते हैं कि ठीक है हम वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आपके दस करोड़ है तो आप आठ ही करोड़ दे दो ठीक है हम वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए तैयार है लेकिन वन टाइम ही होता है जिसमें बैंक थोड़ा नुकसान सहने को भी तैयार हो जाती है अब यहाँ पर है जो आर है उसके फॉरेक्स एक्स रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ गए सिक्स हंड्रेड बिलियन डॉलर हो गए लेकिन उसके बाद भी जो इंडिया है वो फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व होल्डिंग कंट्री हो गया वर्ल्ड में ट्वेल्थ लार्जेस्ट फॉरन होल्डर ऑफ यू एस ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ और टेंथ लार्जेस्ट हो गया टर्म ऑफ गोल्ड रिजर्व में तो फिफ्थ लार्जेस्ट हो रहा हो गया, गया फोर एक्स में पर आरबीआई का कहना है ना, तब भी हमारे पास ज्यादा फोर एक्स नहीं है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है और हमारी जो नेगेटिव इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजिशन है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजिशन क्या होती है मतलब हम क्रेडिटर ज्यादा हो गए हमारा हमारे लोगों का फॉरेन में कितना इन्वेस्ट है फॉरेन लोगों का हमारे में कितना इन्वेस्ट है तो फॉरेन फॉरेनर्स का हमारे यहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट है एज कम्पेयर टू हमारे लोगों ने कितना फॉरेन में इन्वेस्ट कर रखा है इसलिए हमारी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन है वो वो भी नेगेटिव है फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जो हमारे पास 600 बिलियन डॉलर्स हैं अगर हमारा इंपोर्ट का देखा जाए ट्रेंड तो उसे 15 मंथ्स के लिए सस्टेन करा सकते हैं लेकिन बाकी और रिजर्व होल्डर्स देखो तो स्विट्जरलैंड दे में 39 नाइन मंथ्स जापान में 22 टू मंथ्स रशिया में 20 मंथ्स चाइना में 16 मंथ्स तो भले ही फिफ्थ नंबर पर आ गए फॉर एक्स रिजर्व में लेकिन उसके बाद भी जो इम्पोर्ट को सस्टेन कराने के लिए उतना टाइम नहीं है हमारे पास तो मोर ओवर इंडिया की जो नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन है वो भी नेगेटिव में चली गई ट्वेल ऑफ द जी तो आई थिंक आपको ये न्यूज़पेपर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड अर नाइस डे